आगे बढ़ते हैं। उपजिला प्रमुख के चुनाव का ही पूरा मसला, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नहीं हो पाए नामांकन दाखिल। ये बड़ी जानकारी, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नामांकन दाखिल नहीं हो पाए हैं। भाजपा प्रत्याशी सीता देवी 7 मिनट लेट पहुंची, जबकि कांग्रेस का कोई भी दावेदार नहीं आया। ये बड़ी जानकारी है। ऐसे में टोंक में अब नहीं होगा कोई भी उपजिला प्रमुख। उपजिला प्रमुख चुनाव को लेकर यह पूरा मसला है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से नामांकन दाखिल नहीं किए गए। भाजपा प्रत्याशी सीता देवी लेट पहुंची 7 मिनट देरी के साथ, जबकि कांग्रेस का कोई भी दावेदार वहां पर मौजूद नहीं रहा। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जियाउद्दीन मेरे से भी जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या वजह रही, क्या बताया जा रहा है? जियाउद्दीन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ मोहन, क्या वजह रही लेट? हाँ, भाजपा की तरफ से देरी से और कांग्रेस की तरफ से कोई दावेदार वहां पर दिखाई नहीं दिया, क्या वजह? क्योंकि कांग्रेस को साफ तौर पे नजर आ रहा था जब जिला प्रमुख के अंदर उनको हार मिली, तो इस बार उनको उप जिला प्रमुख की दावेदारी पेश करेंगे तो फिर से हार मिलेगी और फालतू विवादों की स्थिति पैदा होगी। इसी के चलते कांग्रेस ने कोई दावेदार का घोषित नहीं किया। यहाँ बीजेपी का नाम उप जिला प्रमुख की नहीं घोषित किया गया था। जैसे ही वो नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं तब तक समय कम हो जाता है, और चूंकि समय खत्म हो जाता है, निर्वाचन अधिकारी साफ तौर पर मना करते हैं कि नामांकन दाखिल करने की जो समय सीमा तय की गई थी वो खत्म हो चुकी है और नामांकन दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे के अंदर पूरे मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जो टोंक जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को मामले की रिटर्न के अंदर भेजा और दिशा निर्देश मांगे हैं। फिलहाल अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि टोंक में अब जिला प्रमुख के पद को लेकर क्या हालात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका।